हे दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड या दिल्ली वाइल्ड लाइफ गार्ड, गेम वॉचर या फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे अच्छी ईबुक लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ईबुक लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मात्र 45 रुपीज़ की ईबुक आपको मिल रही है। 2 से 5 मिनट के अंदर आप लोग परचेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और अगर आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे परचेस करना चाहते हो तो जाके आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो यही ईबुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, बुक आपको मिल जाएगी, जाके परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ई बुक लेना चाहते हो और 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी से परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छी ई बुक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 339 पेज की है ई बुक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्त। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एवरीडे फोकस में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वन विभाग के लिए सॉल्वर पेपर्स मैं लेकर आ चुका हूँ, पिछला हाल प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड, गेम वॉचर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इतने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊंगा। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, साथ ही साथ हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों 13 तारीख को आपका एग्जाम है, तो बहुत ही कम समय है, 13 मार्च को आपका एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं सॉल्वर पेपर्स पे। तो नमस्कार दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हो मॉडल प्रश्न पत्र हल सहित दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2020, इसके लिए दोस्तों मैं क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो आप लोग जानते हो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर है बछेंद्री पाल। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी, बछेंद्री पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गीतांजलि के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है, तो नॉर्वे इसका राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों जापान इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जापान। ठीक है, नॉर्वे गलत है यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन सी, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1483 वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इटली की राजधानी है, तो आप लोग जानते हो इटली की राजधानी रोम है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो किस में होती है ध्वनि की गति, तो लोहा में होती है, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिक मैन ऑफ यूरोप किसका उपनाम है, तो तुर्की का है, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश की संसद का नाम 16 है, तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कथकली, मोहनी अट्टम और ओट्टम किस राज्य के प्रख्यात नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पीलिया किस अंग की बीमारी है, पीलिया जो है किस अंग की बीमारी है, तो यकृत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों जो मैंने ईबुक बता रखी है जाके आप लोग परचेस कर सकते हो, और साथ ही साथ ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये पहला वीडियो एवरीडे फोकस चैनल पर मिल रही है, और अगर आप लोग फुल क्लासेस चाहते हो, स्टडी मटेरियल चाहते हो फ्री में, तो हमारे न्यूज चैनल मून स्टडी को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मून स्टडी का, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से शहर में हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 16, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस में कानून बनाने की शक्ति है, तो संसद। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी, संसद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या होती है, राइट आंसर 24। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को प्रिपरेशन करिए।
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है तो 6 वर्ष होता है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन B1 की कमी से होता है। न्यूटन किसकी इकाई है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बल। 21 का राइट आंसर सी बल, बल का जो है न्यूटन की इकाई है बल जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह ने दिया था, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है तो ऋग्वेद, इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25 क्वेश्चन, इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है तो शुक्र को जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी तो रेड क्रॉस की स्थापना बेडेन पावेल ने की थी, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अग्निग्रह क्वेश्चन नंबर 27, अग्निग्रह किस धर्म का पूजा स्थल है तो पारसी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, शिवाजी की माता जी का क्या नाम था तो जीजाबाई था, इसका राइट आंसर होगा 28 का सी राइट आंसर। झीलों का शहर किसे कहा जाता है तो झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है तो सिंधु नदी जो है अरब सागर में मिलती है, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैडमिंटन से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन बी। और 32 क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो इसका राइट आंसर जीवी मावलंकर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, किसकी कमी से मधुमेह का रोग होता है तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो आप लोग जानते हो, राइट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 35 क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो यकृत, इसका राइट आंसर होगा। चलिए 36 क्वेश्चन, काजीरंगा अभयारण्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्राणी को बचाने के लिए किया जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गैंडा, इसका राइट आंसर होगा। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है तो पेरिस में स्थित है। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, 38 क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा। 39 क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। लास्ट क्वेश्चन है, लेडी विथ द लैम्प के नाम से किस महिला को जाना जाता है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों ये मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया था, इसका जो पूरा क्लासेज है अच्छे से मैं क्लास कराऊंगा वह आपको मून स्टडी पर मिलेगी, ठीक है। मैं ऐसे वीडियो बना रखा था तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही पार्ट टू देखना ना भूलना। और थैंक यू दोस्तों, और आप लोग जाके ई बुक परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी ई बुक है और इस समय बहुत ही ट्रेंड पे चल रही है, आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, आपको अमेजॉन पर भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग ई बुक लेना चाहते हो तो मात्र 5 मिनट के अंदर जाके परचेस कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।